प्रश्नोत्तर पे पहुंचेंगे बच्चे, कारतूस लेसन के, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स पे। पहला क्वेश्चन, कर्नल कार्लेज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, ठीक है, अंग्रेजी खेमा जंगल में लगा हुआ था क्योंकि काफी समय से, काफी अवधि से वह वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहते थे पर कर नहीं पा रहे थे, ठीक है, वह तंग आ चुके थे। कितनी देर से लगा हुआ था खेमा? हफ्तों से, ठीक है, हफ्तों से खेमा लगा हुआ था। वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहते थे लेकिन वे गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे। ओके, अगला क्वेश्चन, वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? जांबाज सिपाही था, किसी के हाथ नहीं आता था, है ना, एक वकील का भी खून करके भागा हुआ था और आसपास से, यहाँ पे आ जाएगा, क्यों तंग आ चुके थे, क्या क्या क्वालिटीज थी, मैंने कल बताया था इसकी, कहाँ बताया था, कहाँ मैंने कल अंडरलाइन करवाया था बेटा, ये पेज नंबर 131 देखो, क्यों तंग आ चुके थे? वह नेपाल पहुंचना चाहता था, अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था, सादत अली को पद से हटाकर अवध पे खुद कब्जा करना चाहता था और अंग्रेजों से हिंदुस्तान को मुक्त करवाना चाहता था। 111 पेज पे ऊपर से सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन, 111 पेज ऊपर से सेकंड थर्ड एंड फोर्थ लाइन, क्लियर बच्चे? ओके, अगर छोटा कुछ एक दो लाइनों में या तीन चार लाइनों में, कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? कौन बताएगा आप में से, एनीवन? कर्नल ने सवार पर नजर रखने को क्यों कहा? वैसे तो कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि दूर से लग रहा था कि कोई सेना आ रही है, गर्द बहुत उड़ रही है, लेकिन पास आने पर पता चला कि एक ही सवार है ना, इसलिए कर्नल ने सवार पर नजर रखने को कहा। सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? क्यों कहा था? क्योंकि वह जाबाज था, वह खुद ही वजीर अली था, है ना, अपने आप पे उसे बहुत भरोसा था, उसमें दमखम था, उसकी क्वालिटी जितनी मर्जी लिखते जाओ वजीर अली की। ठीक है जी, इसलिए उसने कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। उसने तो साबित कर लिया ना उस समय कि वजीर अली की गिरफ्तारी मुश्किल है क्योंकि वे खेमे में घुसा और कारतूस लेकर चलता बना। आगे, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? कल मैंने एक लेसन करवाते हुए बता दिया था कि रॉबिन हुड भी गरीबों का भला करता था, अमीरों से लूटकर गरीबों को बांटता था, ठीक है, उसे भी दुश्मनों से नफरत थी। वैसे ही वजीर अली भी अंग्रेजों के बिल्कुल खिलाफ था, ठीक है, अंग्रेजों को वह भारत से निकाल देना चाहता था। ठीक है बेटे, नेक्स्ट, सादत अली कौन था? उसने वजीर की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? कल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, ये ट्रायंगल बना के मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि सादत अली कौन था, वजीर अली का चाचा, आसिफ उदौला का भाई, है ना,
पहले उसे लगता था कि जायदाद उसी को मिलने वाली है, पूरी बादशाही उसी को मिलने वाली है, लेकिन जब वजीर अली पैदा हो गया तो उसके लिए समस्या पैदा हो गई। वह वजीर अली को अपना दुश्मन मानने लगा। सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? ये तो सीधा ही है, स्पष्ट है, लिखा हुआ है ना वहां पे लेसन में ही लिखा हुआ है, ये तो स्पष्ट आंसर है कि ऐशप्रस्त था, अंग्रेजों का दोस्त था, पाठ प्रवेश के साथ कारतूस लेसन जहां है यहीं पे नीचे है। सआदत अली अंग्रेजों का दोस्त था, ऐश पसंद आदमी था, आधी जायदाद तो उसने पहले ही अंग्रेजों को दे रखी थी, वह तो केवल आनंद करता था, इसलिए अंग्रेजों ने उसे अपना कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? कत्ल करने के बाद उसने क्या किया था बच्चे? जो कुछ थोड़े से जानेसार थे ना उसके साथ, कुछ लोग जो थे जो उस पे जान दे सकते थे, उनको लेके वो आजमगढ़ के लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा, आजमगढ़ के हुक्मरान ने उसे अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया और जंगलों में भटकता रहा। पेज नंबर 130 की लास्ट लाइन्स, 130 पेज की लास्ट लाइन्स, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों कब कर गया? ये तो सवार की सारी विशेषताएं लिख दो, सारी विशेषताएं उसकी लिख दो। जाबाज था, शेर की मांद में हाथ डाल के उसके साथ दो दो हाथ करके कारतूस ले आया है ना, कर्नल अरी को जाकर खुद ही कहता है और ले आता है। यानी पाठ प्रवेश का जो नीचे वाला पैराग्राफ है वो सारी इसी के हिसाब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई? देखो पहले तो अफगान के बादशाह को इधर से वजीर अली ने भी सहायता के लिए कहा था, टीपू सुल्तान ने भी सहायता के लिए कहा था और शमसुद्दौला ने भी सहायता के लिए कहा था। ठीक है, ये लाइन थी हमारी, कहाँ थी? पेज नंबर 130 के टॉप पे थी। ठीक है, फिर घाघरा और आजमगढ़ के लोग भी, हुक्मरान भी उनके साथ थे। हुक्मरान होता है बादशाह, आजमगढ़ इसे 130 पेज के ही लास्ट में है। ठीक है, आजमगढ़ और घाघरा के हुक्मरान भी उन लोगों के साथ थे। तो ऐसा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में ये लहर दौड़ी हुई थी ना, पूरा हिंदुस्तान ही तैयार था, अंग्रेजों के मंसूबे हिंदुस्तान को समझ आने शुरू हो चुके थे। सेकंड क्वेश्चन, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? ये तो स्टेट फॉरवर्ड ही है, 130 पेज का सेकंड लास्ट पैराग्राफ ना, आप उसे इजी लैंग्वेज में लिख लें कि बच्चे उसे 3 लाख रुपए देना हुआ था मंजूर, लेकिन उसे जब कलकत्ता तलब किया जाने लगा तो वो वकील के पास पूछने गया कि मुझे कलकत्ता क्यों भेजा जा रहा है। वकील ने उसकी बात नहीं सुनी, अंग्रेजों के बारे में कुछ बोलना शुरू किया होगा, उसने कत्ल कर दिया और वहां से भाग खड़ा हुआ। सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे लिए? ये तो सबसे अच्छा कार्तिक बता पाएगा। हाँ, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे लिए? अकेला आया, कारतूस इस तरीके से लिए कि वो उसे बता देगा कि वजीर अली कहाँ है और उसे कैसे पकड़ा जा सकता है, ये बताने की उसने उसे कारतूस लिए। उसने उसमें बताना है बेटा कि वो अकेला आया, बड़े कॉन्फिडेंस से आया, बड़ी हिम्मत से आया और तन्हाई कहने लगा। जब उसे तन्हाई मिल गई तो उसने कहा कि मैं वजीर अली के बारे में बताता हूँ,
लेकिन पहले शर्त रखी कि मुझे कारतूस दिए जाए। जब उसे 10 कारतूस दे दिए गए तो उससे उसका नाम पूछा गया तो वह अपना नाम इतनी शान से बताता हुआ गया कि कर्नल हैरानी में निस्तब्ध हो गया, बिना बोले हैरान खड़ा रहा। वजीर अली एक जांबाज सिपाही था कैसे, अगेन स्पष्ट ऑल द थिंग्स, अकेला आया गया अंदर तन्हाई बोला, सारा वही लिखना है ना, अकेला आया गया वही सारा बीच में आएगा। अपनी ऑप्शन से जितने क्वेश्चन आप करना चाहें वो कर सकते हैं, कंपल्शन नहीं है कि यही वाला क्वेश्चन करो यही वाला करो। मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम, एक्सप्लेन दिस, यानी बाकी वजीर अली के पास उसके जानिसार सिपाही बहुत थोड़े से थे, मुट्ठी भर मींस बहुत थोड़े से, लेकिन उसमें हौसला इतना था, कुछ कर गुजरने की हिम्मत थी कि शत्रु के केमे में खुद जाकर उससे कारतूस मांग के ला ले आया, और शत्रु भी उसकी प्रशंसा करने को तैयार हो गया। बेटे मैं एक ही दो 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 तीन लाइनें ही बार बार रिपीट कर रही हूं, गर्द तो ऐसे उड़ रही थी जैसे कि पूरा एक काफिला चला रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। यानी आते हुए वो इतना कॉन्फिडेंट को क्या कहेंगे, वो इतना गर्व से भरपूर था कि बहुत तेज आ रहा था उसका घोड़ा, कई घोड़ों जितनी गर्द उड़ा रहा था, ठीक है, उसका उत्साह उसकी हिम्मत इतनी जबरदस्त थी। यहां से तो क्वेश्चंस हो गए, लेकिन यहां से क्वेश्चन आना एक भी नहीं पेपर में इस बार, क्योंकि न्यू पेडागोजी के हिसाब से, पेडागोजी के हिसाब से बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस आने ही नहीं। आई एम हैविंग 2 सैंपल पेपर्स इन माय हैंड, उसमें ऐसा कोई उत्तर नहीं लिखा हुआ, उसमें क्वेश्चन ही डिफरेंट बने हुए हैं। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, मैं लिखे हुए क्वेश्चन नहीं पढ़ रही, कोई अलग तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल अलग तरह के क्वेश्चन बन के आएंगे, मैं बताती हूँ कैसे आएंगे, मैं बताती हूँ बच्चे कैसे कैसे क्वेश्चन बन के आएंगे। और ये सेम चीज हर सब्जेक्ट के लिए है जी, और ये सेम चीज हर सब्जेक्ट के लिए, क्या बोल रहा है, बेटे आना तो यही सब कुछ है, लेकिन लिखना आपको अपनी लैंग्वेज में होगा, क्वेश्चन ऐसे ट्विस्टेड आएंगे कि आपको अपनी लैंग्वेज में लिखने होंगे। मैं बताती हूँ क्वेश्चन कैसे, इसमें से भी केस स्टडीज आएंगी, केस स्टडीज, हाँ जी बेटे, सब में से मैं बताती हूँ कैसे क्वेश्चन आएंगे बेटे। अब देखो जनरल क्वेश्चन है, लेसन के हिसाब से इसका कोई मतलब नहीं, क्या है, पाठ में आए कंपनी शब्द से किस कंपनी का बोध होता है, ठीक है, इसमें हाँ ये लिखेंगे, हाँ वही हो गया, इसने कहाँ कहाँ कामयाबी हासिल की, इसने कहाँ कहाँ कामयाबी हासिल की इस इंडिया कंपनी ने, सारे भारत देश में लिखा हुआ था चैप्टर में, हाँ धीरे धीरे सारे भारत देश में, उसी को एक्सप्लेन करना होगा कि वो अपनी चालों में, बेटे देखो इस समय आपको लिखना है सारे भारत में, लेकिन लिखना 5 नंबर का 4 नंबर का कैसे लिखोगे, एक लाइन को 5 नंबर में 4 नंबर में हाउ विल यू कन्वर्ट, सारे भारत में लिखना, फिर तो वही सारा लिखना पड़ेगा कि पहले बंगाल में आए फिर उधर से साउथ में गए, अगर हम ये भी ना लिखे, अगर हम इस कंफ्यूजन में भी ना पढ़ना चाहें तो और इजी करना चाहें तो उन्हों इसमें कहां कहां कामयाबी हासिल की, ये जिस हम नहीं बताते कहां कहां हासिल की, ठीक है, इन्होंने कुछ नियम बना लिए, ये जिस प्रदेश को थोड़ा कमजोर जानते थे वहां वहां ये राज्य करते गए, जैसे वजीर अली के चाचा को देखा कि इसे अच्छा मित्र बनाया जा सकता है
तो वजीर अली के चाचा को अपने साथ मिला लिया, ठीक है। ऐसे ही झांसी की रानी के देखा उत्तराधिकारी नहीं है तो उनको मिला लिया। यानी इन्होंने इन्होंने कुछ नीतियां ऐसी बना ली कि धीरे धीरे समुद्री रास्ते से आए थे, दक्षिण से आए थे, उत्तरी भारत तक पहुंच गए। इस तरह हम गोलमोल बात कर जाएंगे तब भी हमारे अंक आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। अब देखो क्वेश्चन है चार नंबर का या दो नंबर का क्वेश्चन, वजीर अली की पैदाइश से सादत अली के कौन कौन से सपने टूट गए? सारे सपने तो टूट गए। मैम राज्य पाने का सपना ही टूट गया, यही सपना था बस उसका, यही सपना था बस, राज्य पाने का सपना, ऐश करने का सपना, में रहने का था, ऐश करने का सपना, राजा बनने का सपना, ऐश करने का सपना, ठीक है। और ये सपना कि मेरा ही हर तरफ डंका चले। एक मिनट मैं वो का क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिनहुड की याद क्यों आ जाती है? ये क्वेश्चन सुन पढ़ रही हूँ मैं। रॉबिनहुड की वीरता की अनेक कहानियां प्रचलित है। कर्नल को जब भी वजीर अली के अफसाने या कहानियां सुनाई जाती हैं तो रॉबिनहुड की याद आ जाती है, क्योंकि वजीर अली भी उसी की तरह हिम्मती और दरिया दिल था। रॉबिनहुड की तरह ही उसे पकड़ पाना मुश्किल हो रहा था। वजीर अली के मन में अंग्रेजों के प्रति बेहद नफरत थी, वह उनके हाथ नहीं आ रहा था, बस उसकी साहसिक और रोमांचक कहानियां ही सुनाई देती थी। गोल गोल कर दिया ना सारा। रॉबिनहुड के बारे में कुछ नहीं बताया कि वो डाकू है या कुछ है, नो कुछ नहीं बताया। साहसी था, उत्साही था, है ना, बस वो ही बताया। उसने नाक को चने चबाए हुए थे सबके, ऐसे ही वजीर अली ने भी अंग्रेजों के नाक को चने चबाए हुए थे। अफगानिस्तान के शासक को हिंदुस्तान पर हमले की दावत क्यों दी गई होगी? मैम ताकि अंग्रेज शासन को कमजोर किया जा सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक लाइन में आंसर आ गया, लेकिन उसे एक्सप्लेन करना है। यू आर सपोज टू राइट इट इन फोर नंबर, फोर मार्क्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उनको टीपू सुल्तान, शमसुद्दीन और वजीर खान सब ने होते दिए। शमसुद्दीन नहीं है, शमसुद्दौला है, शमसुद्दौला, ठीक है ओके, कर लेंगे आप, मुझे पता है कर लेंगे। हाँ आई एम होपिंग कि आप कर लेंगे। मैं सारे क्वेश्चंस ही पढ़ रही हूँ वहां पे। अब बोर्ड का कुछ नहीं पता, वो कब क्या करते हैं? हाँ नहीं पता बोर्ड का बेटा, आपको उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। यानी लेसन पढ़ना है तो डीपली समझना है उसको, बस और कुछ नहीं है। कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है बच्चे आपके दिमाग में। मैं तो शुरू से आपको ऐसा ही कहती हूँ, आपके दिमाग में लेसन समझ में आ गया, आपको बीच बीच में से बारीकियां पता चल गई, तो आपको कोई क्वेश्चन डाल दे, लिखना तो आपको वही है ना बच्चे, बाहर से थोड़ा कुछ लिखना है। मैम मींस इस बार ऑब्जर्वेशन स्किल्स चाहिए, चैप्टर रीड करने की जरूरत नहीं? नहीं रीड भी करना है, ऑब्जर्वेशन भी है, क्योंकि रिलेट करना है ना आपको लेसन के साथ, तो लेसन में पता होगा कौन क्या कर रहा है तभी आप करोगे। ओके ऑब्जर्वेशन विद लेसन, विद लेसन। अब लेसन में कहाँ आया है? शाहे जामा कौन था, उसने किस किस उसे किस किस ने हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी थी? शाहे जामा कौन था? अफगानिस्तान का राजा। हाँ अफगानिस्तान का बादशाह, राजा नहीं बादशाह। यार एक ही बात है। नहीं एक ही बात नहीं है ना बच्चे, नहीं है, दोनों टर्म्स अलग हैं, ठीक है। अफगानिस्तान का बादशाह था, उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी, उसे टीपू सुल्तान, बंगाल के नवाब शमसुद्दौला और वजीर अली ने हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी थी। वे उनकी सहायता से अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाना चाहते थे, ठीक है। अच्छा कर्नल कार्लिज ने सादत अली का परिचय किस प्रकार दिया, उसे गद्दी पर बिठाने में? चलो वो तो क्या लाभ हुआ तो हो गया, सादत अली का परिचय किस तरह दिया था उसने? ऐश परस्त इंसान।
ऐश परस्त इंसान कह तो दिया, ऐश परस्त के स्पेलिंग भी आने चाहिए, ठीक है, ऐश परस्त या ऐश्वर्य परस्त इंसान, धन दौलत और धन दौलत और क्या कहेंगे हम, नशे में डूबा रहने वाला। ओके ओके, हो गया लेसन तो हो गया आपका, वी हैव डन। ऐश प्रस्त नहीं, ऐश्वर्य प्रस्त लिखो बेटा, ऐश्वर्य प्रस्त सही, हाँ ऐश्वर्य प्रस्त यहाँ होगा बेटे आपके लेसन में, ये वर्ड्स हैं, रुकिए मैं बताती हूँ आपको किस पेज पे है आपके लेसन में ये वर्ड है, ये देखिए, हाँ ऐश लिखा हुआ है, ये देखिए पेज नंबर, ये कार्तूस लेसन के, ये जहाँ लेसन शुरू होता है इसी के नीचे, यहाँ देखिए देखिए है, सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी, सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, ठीक है, मजे करता है, बस उसका मजे करना ही एक एकमात्र उसका वो था, अच्छा सादत अली और कर्नल के बीच संबंध कैसे थे, चापलूस था ना, हाँ मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम, इस कथन का तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है वजीर अली के पास मुट्ठी भर आदमी थे, अर्थात बहुत कम आदमी थे, लेकिन फिर भी इतनी शक्ति और दृढ़ता का परिचय दिया उसने, जो कमाल की बात थी, सालों से जंगल में रहने पर भी स्वयं कर्नल उसकी सेना का बड़ा समूह जो बहु संख्या में युद्ध सामग्री से लेस थे मिलकर भी उसे नहीं पकड़ पाए, उसकी अदम्य शक्ति और दृढ़ता को जीत नहीं पाए, उस जांबाज सिपाही को पकड़ नहीं पाए, अर्थात वह हर काम इतनी सावधानी और होशियारी से करता था कि उसने वे उसके मुट्ठी भर आदमी ने ही कर्नल के इतने बड़े सेना समूह को हरा दिया, नाक में दम कर दिया था, ठीक है। तो दिस लेसन इज डन। सैटरडे टेस्ट किस चीज का देना है, मैंने बताया था आपको, जी लघु कथा कह रहे हैं, हाँ लघु कथा कहा था, थैंक यू, याद है आपको, ओके टिल देन गुड बाय, ओके बाय बाय।